अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल क्रिएटिव माइंड्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे मीट प्रोटीन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और जो है मैंने वीडियोज़ सॉफ्ट फूड के हिसाब से जो मैंने वीडियोज़ दिए हुए हैं वो मैंने अलग से बनाई हुई हैं, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं आपको ऊपर लिंक दे रहा हूँ, इसी वीडियो में ऊपर लिंक दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक रख रहा हूँ सॉफ्ट फूड की वीडियो के लिए। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको जो है मीट प्रोटीन के बारे में बताऊंगा और काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी समझ आ सके। और जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी भी हौसला हो जाए। तो आए शुरू करते हैं वीडियो। बर्ड्स को मीट प्रोटीन क्यों ज़रूरत होती है और जो है हम उनको कैसे दे सकते हैं और इनको कौन सी चीज़ों से जो है हम मीट प्रोटीन प्रोवाइड कर सकते हैं। बर्ड्स को मीट प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि वो ब्रीडिंग करते हैं तो उनको एनर्जी चाहिए होती है। तो जैसे हमें मीट की एनर्जी चाहिए होती है ऐसे ही बर्ड्स को भी चाहिए होती है। तो इनको हम जो है कुछ चीज़ों से मीट प्रोटीन दे सकते हैं। उनमें से एक चीज़ है झींगा और दूसरी चीज़ है मेलवॉर्म्स। मेलवॉर्म्स आपको आसानी से किसी भी बर्ड स्टोर से मिल जाएंगे जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं मेलवॉर्म्स। और जो है दूसरी चीज़ है झींगा। झींगा आपको जो है आसानी से मार्केट्स में मिल जाएगा झींगा, लेकिन हमें ड्राई झींगा यूज़ करना होता है। आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो झींगा है ये ड्राई झींगा है। इसको लेके आते हैं पहले तो उसको साफ़ कर लेते हैं, अगर कोई कचरा वगैरह होता है तो साफ़ करके फिर इसको पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बना के फिर हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम सॉफ्ट फूड पे यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट फूड जो भी आप यूज़ कर सकते हैं करते हैं उस पर जो है एक टेबल स्पून इसको यूज़ करें। और बर्ड्स को जो है बर्ड्स का साइज़ इंक्रीज़ करने में, बर्ड्स की हेल्थ को मेंटेन करने में मीट प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और मीट प्रोटीन सिर्फ जो है सर्दियों में यूज़ करवाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम जैसे ही बिल्कुल सर्दियां थोड़ी सी भी ख़त्म हो तो बंद कर दें। नहीं, जब तक हम तकरीबन ब्रीड ले सकते हैं यानी कि तकरीबन मार्च तक हम मीट प्रोटीन यूज़ करवा सकते हैं। तो आइए आपको अब दिखाते हैं कि कैसे देते हैं। पहले जो भी आप सॉफ्ट फूड यूज़ कर रहे हैं उसको जो है इस तरह से, जिस तरह से मैंने किया हुआ है इस तरह से पहले इनको जो है इसको ड्राई कर लें सॉफ्ट फूड को, यानी कि इसका पानी जो है पानी की नमी जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि पानी की नमी जो है बर्ड्स के लिए नुकसानदेह होती है। पानी की नमी जैसे ही ख़त्म हो जाए तो आप इसको जो है किसी बर्तन में निकाल लें ताकि आप मिक्स कर सकें किसी चीज़ के साथ। आज मैं सिर्फ यही सिंपल दे रहा हूँ क्योंकि आज अभी टाइम नहीं था कुछ और जो है मसरूफियात थी, तो मैंने सोचा आपको ये छोटी सी जो है टिप्स भी दे दूँ और साथ में जो है बता भी दूँ कि किस तरीके से देते हैं। तो इनको पहले जो है निकाल लें, उसके बाद जो है किसी बर्तन में ले लें, साफ बर्तन में जो गीला नहीं हो। अगर गीला हो तो उसको कपड़े से अच्छी तरह से ड्राई कर लें ताकि जो है दोबारा जो है मीट प्रोटीन और जो है सॉफ्ट फूड जो है गीला नहीं हो। उसके बाद तकरीबन आधे पाव जो सॉफ्ट फूड में जो है तकरीबन आधा चम्मच जो है वो आप झींगा का पाउडर जो है यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है बर्ड्स के लिए। इसको फिर आप जो पेयर्स हैं यानी कि चिक्स के साथ उनको तकरीबन 1 टेबल स्पून सर्व करें, और जो चिक्स के साथ पेयर्स नहीं हैं उनको जो है 1/2 टेबल स्पून सर्व करें ताकि इनकी जो है ज़रूरियात पूरी होती रहें और जो है अच्छे से जो है ब्रीड करते रहें। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी टिप्स आपको पसंद आई होगी। और जो दोस्त नए हैं काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकअल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।